तो दोस्तों आपको YouTube पे हजारों वीडियो मिल जाएगा कि मनोज दे जैसा कैसे बने, या फिर मनोज दे का जो ग्रोथ सीक्रेट वो क्या है, आखिर इतना जल्दी उन्होंने इतना ग्रोथ कैसे हासिल कर लिया, और YouTube पे इतना ज्यादा सब्सक्राइबर कैसे बना लिया, YouTube से इतना पैसा कैसे कमा रहा है, आखिर कुछ तो सीक्रेट बात होगा मेरे अंदर में। तो इस तरीके का हजारों वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा कि मनोज दे का सीक्रेट, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं खुद बताऊंगा कि मेरा आखिर क्या सीक्रेट। तो YouTube पर दोस्तों इस टॉपिक पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आज मैं खुद अपना बताऊंगा कि आखिर मेरे चैनल पर ऐसा क्या सीक्रेट बात है कि मेरा चैनल ग्रो हुआ, आखिर मैंने ऐसा क्या अप्लाई किया जो आप नहीं कर पा रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि YouTube पे आपको कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, तो हमेशा उस चीज पे मैं ये चीज बोलता हूँ कि अपना रियलिटी हमेशा दिखाना चाहिए, है ना। रियलिटी जो आपका है वो चीज दिखाओ, कुछ छुपाना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है। जैसे बहुत कोई क्या करता है, जैसे मेरा बोलने का तरीका जो अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको वीडियो के सामने में बोलते हुए दिख रहा हूँ, सेम ऐसा ही मैं नॉर्मली भी बात करता हूँ। अगर मैं फैमिली मेंबर के साथ, किसी के साथ बात कर रहा हूँ, कोई फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ, कहीं भी बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ही बात करता हूँ, मेरे बोलने में कोई बनावटी नहीं। लेकिन बहुत कोई क्या करता पता है, ज्यादा प्रोफेशनल बनने के चक्कर में अपना जो बोलने का तरीका है उसको भी बदल देता है। कोई देखे ज्यादा ही खुश होकर बोल रहा है, कोई बहुत ज्यादा चिल्ला कर बोल रहा है, कोई एकदम प्रोफेशनल एकदम बन के, जैसे कि उसका जो नेचुरल जो वे है उसका बोलने का, वो चीज बदल जाता है वीडियो पे। और ये चीज आप मेरे साथ कभी पर्सनली मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं वीडियो पे जैसा बोलता हूँ मैं रियल में भी ऐसा ही बात करता हूँ। अगर मैं किसी के साथ बैठ के भी बात करता हूँ तो मैं ऐसा ही बात करता हूँ। तो ये होगी एक बोलने का रियलिटी, और दूसरा है अपना बैकग्राउंड का रियलिटी, अपने बारे में जो रियलिटी है वो चीज को ना छुपाना। जैसे अगर आप सौरभ जोशी को भी देखोगे तो उनका ब्लॉग चैनल ग्रो होने का सबसे बड़ा रीजन वही था कि उन्होंने वही चीज दिखाया जो उनका था, जो रियल था, चाहे उनका घर हो, उनका खान पान हो, उनका फैमिली हो। तो उसी तरह से दोस्तों मैंने भी स्टार्टिंग से यूट्यूब पे ये चीज रिवील किया है, मेरा जो कुछ था मैंने हमेशा आप लोगों के साथ शेयर किया है, हर एक हमेशा एक एक चीज दिखाया, चाहे मेरा वो वीडियो बनाने का सीढ़ी वाला कोना हो, चाहे वो मेरा खपरा वाला कच्चा वाला मकान हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर मेरे पापा क्या करते हैं, मैं कहाँ वीडियो बनाता हूँ, मेरा घर कैसा है, सब कुछ मैंने एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर किया, कुछ भी चीज छुपाया नहीं। और आज सबसे बड़ा एक तरह से मान सकते ना, यही मेरे लिए हथियार था कि मैंने अपने कमजोरी को ही ताकत बनाया, जो मेरा कमजोरी था उसी का आप लोगों के साथ शेयर किया, आज देखिए वही ताकत बन करके आज मेरे चैनल पर 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। और काफी सारे मेरे कॉम्पिटिटर है जो यूट्यूब टिप्स वाले चैनल है, वो लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये कैसे हम लोगों से आगे निकल गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन था कि आप लोगों ने कभी अपना रियलिटी दिखाया ही नहीं, अपने ऑडियंस के साथ ये सब चीजों को शेयर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है दोस्तों, सबके अंदर में ये गट्स नहीं होगा, सबके अंदर में ये ताकत नहीं होगा कि वो अपना रियलिटी को दिखा पाए, क्योंकि बहुत कोई का शर्म भी आता है। जैसे मैं किस जगह पे रहता हूँ ये चीज मैं 60 लाख लोगों तक क्यों शेयर करूँ, मैं कैसे खाना खाता हूँ जमीन के बैठ के, ये बहुत कोई नहीं दिखाना चाहेगा ना, बोलेगा नहीं भाई हम तो आज के डेट पे सेलिब्रिटी हैं, हम करोड़ों रुपया कमा के बैठे हैं आज के डेट, तो हम ये दिखाएंगे कि हम जमीन में बैठ के खाना खाते हैं, तो शर्म भी आता है बहुत कोई को। और ये चीज मेरे अंदर नहीं है, हम कुछ भी दिखा देते हैं, हम जो कुछ करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। अब बात करते हैं, ये तो पहला था कि मैंने अपने हमेशा रियलिटी को एक्सपोज किया है, अपने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया। और दूसरा दोस्तों एक बहुत बड़ा जरिया मेरा ब्लॉग वाला चैनल भी है, ये चीज मैं आज आप लोगों को खुल के बताता हूँ। ये जो मैंने ब्लॉग चैनल ओपन किया था ना, जब मेरा 3-4 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल पर हो गया था, उसके बाद मैंने एक ब्लॉग चैनल ओपन किया था मनोज दे ब्लॉग से, जिसपे अभी के टाइम पे 1.5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स है, तो वो चैनल भी मुझे ग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। ये ब्लॉग चैनल मुझे पैसा नहीं दिया लेकिन नाम बहुत दिया। ये ब्लॉग चैनल पर दोस्तों मैं जितना कमाता हूँ ना, ये मेरा एक स्पॉन्सर का जो वीडियो का पैसा मेरा एक स्पॉन्सर का है, वो भी मेरा मंथली इनकम नहीं है। ब्लॉग मैं पूरा देखिए अर्निंग ही दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, $700 बना हुआ, ओनली $700 मैंने ब्लॉग चैनल से इस महीने का मेरा कमाई, जबकि व्यूज आता है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा हर एक ब्लॉग पे, आप लोग देख लो जाकर खुद का मेरा चैनल, लेकिन पैसा नहीं है, अर्निंग नहीं है। ये मैं क्यों करता हूँ, इससे जस्ट मैं अपने फेम बनाता हूँ, नाम बनाता हूँ, और ये बेनिफिट मेरा टेक वाले चैनल पर मुझे देखने को मिलता है। वहां पर मैं जो कुछ भी अचीव करता हूँ अपने लाइफ पे वो चीज मैं वहां पर शेयर करता हूँ, जैसे फॉर्चुनर खरीदा रिसेंटली तो देखिए वीडियो मिल जाएगा, घर बना रहा हूँ तो वहां पर वीडियो मिल जाएगा। तो एक एक चीज जो कुछ भी मैं अचीव करता हूँ वो चीज मैं ब्लॉग वाले चैनल पर शेयर करता हूँ, और ब्लॉग वाले चैनल पर मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, पैसा ना के बराबर हूँ वहाँ पर, इससे ज्यादा मैं एक स्पॉन्सर से कमा लूंगा जो मेरा मंथली इनकम ब्लॉग पे होता है, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेरे नाम को बनाने में। और ये टेक वाले चैनल पर वो सारा ऑडियंस इधर आता है, वो टेक वाले वीडियो को देखता है, और टेक पे मेरा अच्छा खासा अर्निंग है, डॉलर भी अच्छा बनता है, स्पॉन्सर्स का भी अच्छा पैसा मिलता है। तो ब्लॉग वाला चैनल भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है अपने चैनल को ग्रो करने में, अपने नाम को बनाने में। अब दोस्तों बात करते हैं मेन चीज, ये मेन चीज है दोस्तों कंसिस्टेंसी। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी मैं रेगुलर कॉन्टेंट बनाता था, आज के डेट में मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं रेगुलर कॉन्टेंट बनाता हूँ। अब मैं बता दूं अभी के टाइम पे एक जीता जाता उदाहरण आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। आज के डेट पे दोस्तों सुबह से लाइट नहीं है, अभी 3:30 बज रहा है दोपहर का,
सुबह से लाइट नहीं है, वेट किया बहुत देर तक कि लाइट आ जाए तो वीडियो बनाओ, लेकिन लाइट नहीं आ रहा, 3:30 बज गए। आप सोचे भाई वीडियो तो बनाना है। आप घर पे क्या हो रहा है, तो बगल वाले घर पे जो है जनरेटर चल रहा है क्योंकि काम चल रहा है, ढलाई चल रहा है। मेरे घर पे खुद भी ऊपर वाले ग्राउंड फ्लोर पे सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा है, तो ढूप ढाप आवाज आता है तो अंदर बना नहीं सकते। अंदर पंखा बंद करेंगे तो गर्मी पूरा लग रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। ऐसे में मैं एसी चला के बनाता हूं। अब बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब है, लेकिन कुछ भी परिस्थिति हो वीडियो बनाना नहीं रुकना चाहिए। अभी देखिए मैं कहां पर वीडियो बना रहा हूं, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरे घर से मैं बहुत दूर तक पैदल पैदल आया हूं, ठीक है, सोएब को लेके सीनू को लेके, और इधर मैं वीडियो बना रहा हूं एक नया घर जो बन रहा है उसके अंदर। तो परिस्थिति कैसा भी हो ये चीज मैंने हमेशा से फॉलो किया है, अभी भी करता हूं। इतना कुछ अचीव कर लेने के बाद भी अगर मैं आज के डेट पे अभी के टाइम पे मैं वीडियो नहीं भी बनाता, आज अगर पब्लिश नहीं भी करता तो मेरा जो अर्निंग है या फिर मेरा जो व्यूज है उसमें मेरा जो तिनका भर भी है उसमें भी मेरा लॉस नहीं है, तिनका भर लॉस नहीं अगर मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन नहीं, मेरे अंदर में ये चीज है कि एक दिन अगर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर में मतलब ऐसा लगता है कुछ कमी है, कुछ तो भाई आज के डेट में मिसिंग है। तो कल जैसे मैंने वीडियो नहीं डाला था, अब कल नहीं बनाया था, आज वीडियो बनाना ही है। एक दिन ऑलरेडी गैप हो चुका है, 2 दिन तो गैप कर नहीं सकते। 2 दिन गैप मैं तब करता हूँ जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, बाहर हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो, तो बात अलग। जब मैं बना सकता हूँ तो क्यों नहीं बना। अभी मैं घर से बहुत दूर आकर के नया घर जहाँ बन रहा हूँ वहीं पे बैठ के बना रहा हूँ, आराम से खड़े होकर एक रूम के अंदर में। यहाँ पे छाव भी है, चारों तरफ से खुला है तो ठंडा हवा भी आ रहा है। तो वीडियो परिस्थिति जैसा भी रहे बनाना था और अभी भी बनाता। जब स्टार्ट किया था यूट्यूब पे तब भी मेरे पास कुछ नहीं था, तो तब तो ऐसे ही बनाता था। आज के डेट में सब कुछ होते हुए भी वीडियो ऐसे ही बनाता, चाहे कहीं भी बन जाए लेकिन वीडियो बनना जरूरी। ये है सबसे बड़ा राज जो आप लोग शेयर करते हो कि मनोज जी का क्या सीक्रेट है। ये है सबसे बड़ा सीक्रेट कि आप लोग एक्सक्यूज बहुत देते हो कि मेरे पास जगह नहीं है, आज लाइट नहीं है, आज फैन नहीं चल रहा, आज कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है। ये चीज एक्सक्यूज जब तक देते रहोगे तब तक ग्रो कर ही नहीं सकते, ना सक्सेसफुल हो पाओगे लाइफ में। एक्सक्यूज देना बंद करो और जैसा परिस्थिति है उसी परिस्थिति से शुरू करो, है ना। आपको ये नहीं देखना है कि ये नहीं है वो नहीं है, जो है उसी से शुरुआत करना सीखना पड़ेगा। बाकी आप मेहनत करो, मेहनत ही सबसे बड़ा की ऑफ सक्सेस बोला जाता है, मेहनत, ठीक है। मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, बाकी मेरे अंदर में मेहनत ही है। आज मैं 8 साल से रेगुलर कंटेंट बना रहा हूँ, आज के डेट पे भी बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज के डेट पे सो रहा हूँ आराम से सोके, ऐसा तो है नहीं। वीडियो तो आ ही रहा, पैसा कमा रहा हूँ, वीडियो भी बनाना पड़ा और एक्टिव हूँ हर एक सोशल मीडिया, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, यूट्यूब पे 2-2 चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर एक जगह एक्टिव हूँ। आप मेरे हर एक अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखो रेगुलर कंटेंट पोस्ट हो रहा है, कभी फोटो रील जा रहा है, कहीं टेलीग्राम पे पोस्ट हो रहा है, कभी एक्स पे मैं ट्वीट करता हूँ, तो हर एक चीज कर रहा हूँ, कहीं भी शांत नहीं है कि हाँ सो गया हूँ। हर एक जगह एक्टिव, हर एक जगह मेहनत, तो बस यही है रीजन। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ मेरा आखिर क्या रीजन है। आप लोग तो इतना दिनों से फॉलो कर, आप लोग मुझे भली भांति जान रहे। बाकी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।